नागेश कलसगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, कक्षा सातवीं के लिए हमने महाभारत में जो भी अध्ययन किया है, आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पिछली तासिका में हमने भीष्म प्रतिज्ञा देखी थी, कि जिसके अंतर्गत हमने यह देखा था कि भीष्म ने, यानी कि देवव्रत ने, यह भयंकर प्रतिज्ञा की थी कि वह आजन्म अविवाहित रहेंगे, वह ब्रह्मचारी रहेंगे आजन्म, और अगर वह ब्रह्मचारी रहेंगे तो उनकी कोई संतान न होगी, और इसी कारण सत्यवती के जो पुत्र हैं उन्हें ही राज सिंहासन मिलेगा। और उन्होंने यह जो भयंकर प्रतिज्ञा की थी, इस प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम तब से भीष्म पड़ गया था। आज हम महाभारत के आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आज हम पाठ क्रमांक तीसरा देखते हैं, अंबा और भीष्म। आज हम क्या देखेंगे बच्चों, पाठ क्रमांक तीसरा अंबा और भीष्म यहां देखेंगे। सत्यवती के पुत्र जो है चित्रांगद, वह देखिए जैसे कि हमने पिछली तासिका में यहां देखा था कि राजा शांतनु जो है उनके बाद जो कुरुवंश का क्रम है, वह क्रम हमने देखा था कुरुवंश का, तो उसमें हमने यह देखा था कि जो रानी सत्यवती है उसके दो पुत्र थे, चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य। तो देखिए सत्यवती के जो पुत्र है चित्रांगद, एक गंधर्व के साथ युद्ध में मारे गए, यानी कि जिस गंधर्व के साथ उनका युद्ध हुआ था और जिसके हाथों उनकी मृत्यु हुई थी, उस व्यक्ति का नाम भी चित्रांगद था। तो यहां सत्यवती के जो पुत्र थे चित्रांगद, उनकी भी क्या हो गई, एक गंधर्व के साथ युद्ध में वह क्या हो गए, मारे गए। तो इसके बाद विचित्र वीर्य राजा बन गए, क्योंकि सत्यवती के दो ही पुत्र थे चित्रांगद और विचित्र वीर्य। जब चित्रांगद की मृत्यु हो गई तो उसके पश्चात बचा कौन, विचित्र वीर्य। तो चित्रांगद के पश्चात विचित्र वीर्य जो है वह क्या हो गए, राजा बन गए। अब विचित्र वीर्य जब विवाह योग्य हुए तो उन्होंने भीष्म को उनके विवाह की चिंता होने लगी। जैसे कि घर में अगर कोई बालक है, लड़का हो या लड़की, अगर वह विवाह के योग्य उनकी उम्र हो जाती है तो घर के बड़े परेशान होते हैं ना उनके विवाह को लेके, कि उनके लिए वह लड़का या लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं, विवाह अच्छे घर से जुड़ जाए इसकी कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी विचित्र वीर्य जब विवाह के योग्य हुए तो भीष्म जो है उनको उनके विवाह की चिंता होने लगी। भीष्म को विदित हुआ कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। विदित होना अर्थात मालूम होना या पता चलना या जानकारी मिलना। तो यह जो भीष्म है उन्हें इस बारे में जानकारी मिलती है कि जो काशी राज है उनकी जो कन्याएं हैं उन कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में, यानी कि कक्षा छठी में, यहां देखा था रामायण में कि सीता का स्वयंवर हो रहा था, जहां राम गए थे उस स्वयंवर में सीता को वरने के लिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो काशी राज है उनकी जो कन्याएं हैं, उनकी जो पुत्रियां हैं, उनका क्या हो रहा था बच्चों, स्वयंवर हो रहा था। और इसकी जानकारी किसे मिलती है, भीष्म को मिलती है। तो स्वयंवर में देश विदेश के जो राजकुमार थे वह सम्मिलित हुए थे, वह इस स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आए थे। क्षत्रियो में भीष्म की प्रतिज्ञा के प्रति आदर भाव था। जो क्षत्रिय थे, इन सारे क्षत्रियों को भीष्म ने जो यहाँ आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की जो प्रतिज्ञा की थी, या वह विवाह न करने की उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, इस प्रतिज्ञा के प्रति इन क्षत्रियों में क्या था, आदर भाव था। और उनको स्वयंवर मंडप में देखकर राजकुमारों को आश्चर्य व निराशा हुई। जब भीष्म स्वयंवर में सम्मिलित हुए, स्वयंवर मंडप में जब सभी लोग भीष्म को देखते हैं, तो उस वक्त वहां पर उपस्थित जो भी राजकुमार थे उन सबको काफी आश्चर्य होता है कि भीष्म ने तो आजन्म अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु फिर भी वह इस स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। इस बात को लेकर उन्हें आश्चर्य भी हुआ, और भीष्म अत्यंत वीर योद्धा थे तो उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, इस बात को लेकर इनमें सब में निराशा भी हुई। बड़े भीष्म को देखकर परम सुंदरी कन्याएं जो है वह उद्विग्न हो उठी, यानी कि भीष्म इस स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं यह देखकर जिन कन्याओं का
जैसा कि काशी राज की जो यहाँ कन्याएं थी जिनका स्वयंवर होने वाला था वह उद्विग्न हो गई। नीच स्वभाव के नरेश भीष्म की हंसी उड़ाते हुए उन पर फप्तियां कसने लगे, यानी कि जो अन्य राजकुमार थे जो भीष्म के बारे में अच्छे विचार नहीं रखते थे वह क्या कर रहे थे, भीष्म को देखकर हंस रहे थे, उसकी हंसी उड़ा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्यों ऐसा कर रहे थे? वह इसलिए ऐसा कर रहे थे कि भीष्म ने क्या किया था, प्रतिज्ञा की थी कि वह आजन्म अविवाहित रहेंगे, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा करने के पश्चात भी भीष्म क्या कर चुके हैं, आप स्वयंवर में सम्मिलित हो गए। इस बात को लेकर उन पर फत्तियां कसने लगे लोग। यह देखकर भीष्म ने कहा, हे भूमिपालों, मैं इन कन्याओं को यहां से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूं। तुम लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिए मुझे रोकने का प्रयत्न करो। अब देखिए, यह जो भीष्म है उन्हें अपने आप पर काफी विश्वास था कि वह इस स्वयंवर में जीतेंगे और वह क्या करेंगे कि इन कन्याओं को हरकर यहां से ले जाएंगे, हरकर अर्थात जीतकर। तो वहां पर सभी लोग भीष्म की हंसी उड़ा रहे हैं, उन पर फप्तियां कस रहे हैं। ये सारा दृश्य जो है, यह सारा दृश्य देखकर भीष्म जो है वह कहते हैं कि हे भूमिपालो, यानी कि वहां मौजूद जो सारे राजकुमार हैं उन सबको उद्देशित यहां कर भीष्म कहते हैं कि मैं इन कन्याओं को यहां से बलपूर्वक हर ले जाना चाहता हूं। वह अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, वह कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, जिन कन्याओं का यहां स्वयंवर हो रहा है उनको मैं यहां से बलपूर्वक हर कर ले जाना चाहता हूं। लोग अपनी पूरी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय करके मुझे क्या कीजिए, रोकने का प्रयास कीजिए, यानी कि हार भी हो जाए या जीत भी हो जाए आप लोग क्या कीजिए, आपकी पूरी शक्ति लगाइए और मुझे क्या कीजिए, रोकने का प्रयत्न कीजिए या प्रयास कीजिए, ऐसा भीष्म कहते हैं। तो ऐसा कहकर भीष्म ने काशी राज की तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बैठा लिया और हस्तिनापुर चल दिया। इतना कहने के बाद भीष्म क्या करते हैं कि जो काशी राज्य की जो तीनों कन्याएं हैं उन तीनों कन्याओं को वह क्या करते हैं, बलपूर्वक उठा लेते हैं, उनको उठाते हैं और रथ में बिठा लेते हैं और क्या करते हैं, हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ते हैं। अब देखिए, काशी राज्य की जो बड़ी कन्या होती है अंबा, वह मन ही मन में सौंप देश के राजा शाल्व का वरण कर चुकी थी। अब देखिए, जब भीष्म ने यह जो काशीराज कन्याएं हैं इनको उठाकर वह ले जाना चाहते थे और वैसा उन्होंने प्रयास किया था और करने से पहले वहां मौजूद राजकुमारों को उन्होंने बताया था कि आप में से अगर कोई रोकना चाहता है तो मुझे रोकने का प्रयास करें, परंतु उन्हें रोकने का प्रयास कोई नहीं करता क्योंकि सबको पता है कि भीष्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। तो भीष्म उन काशीराज की तीनों कन्याओं को उठाकर रथ में बिठाते हैं और उन्हें क्या करते हैं, हस्तिनापुर लेकर आते हैं। यह जो काशीराज है इनकी जो बड़ी बेटी है उसका नाम होता है अंबा। काशीराज की बड़ी बेटी का नाम क्या है, अंबा है। तो यह जो अंबा है वह मन ही मन में, वह क्या करती है, मन ही मन में जो सौंप देश है उस सौंप देश का जो राजा है ना शाल्व, उसका वह वरण कर चुकी थी, यानी कि उसे वह अपना पति मान चुकी थी। तो शाल्व यह जो राजा है वह बड़ा वीर राजा था। शाल्व कैसा राजा था, बड़ा वीर राजा था। तो उसने भीष्म को रोकने का प्रयास किया क्योंकि वह भी अंबा को चाहता था, वह भी अंबा से विवाह करना चाहता था, इसीलिए यह जो सौंप देश का जो राजा है ना शाल्व, इसने क्या किया, भीष्म को रोकने का प्रयास किया। दोनों में युद्ध हुआ, दोनों में अर्थात शाल्व और भीष्म, इन दोनों में युद्ध हुआ। भीष्म ने शाल्व को हरा दिया। भीष्म यह तो काफी वीर राजा था, वीर पुरुष था, तो उसने क्या किया, शाल्व को हरा दिया। किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित छोड़ दिया। भीष्म और सौंप देश का जो राजा है शाल्व, इन दोनों में घनाघोर युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में भीष्म विजयी हो जाते हैं। सौंप देश का राजा जो है शाल्व, वह क्या होता है, हार जाता है।
तू यह जो काशीराज की जो कन्याएं होती है ना, वह भीष्म से प्रार्थना करती है और उनकी प्रार्थना पर भीष्म जो है वह क्या करते हैं, सौभ देश का जो राजा है ना शाल, उसे जीवित तो छोड़ देते हैं, उसके प्राण नहीं लेते हैं। जब इन कन्याओं का विचित्र वीर्य से विवाह का आयोजन होने लगा, तब अंबा ने एकांत में भीष्म से कहा, गांगेय मैं अपने मन में सौभ देश के राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूं, या मैंने उन्हें अपना पति मान लिया था, और इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहां ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। अब देखिए, यह जो अंबा है वह विचित्र वीर्य से विवाह नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसने मन ही मन में क्या किया है, सौभ देश का जो राजा है शाल उसे अपना पति मान चुकी थी वह। और जब इन तीनों कन्याओं का विचित्र वीर्य से विवाह का आयोजन होने लगा, इन तीनों कन्याओं का विचित्र वीर्य के साथ विवाह का आयोजन होने लगा, तभी यह जो अंबा होती है वह विचित्र वीर्य से विवाह नहीं करना चाहती, और वह क्या करती है, एकांत प्राप्त करके या एकांत देखकर वह भीष्म से बात करने के लिए आती है। और वह भीष्म के पास आ जाती है तो वह भीष्म से कहती है कि गांगेय, गांगेय अर्थात गंगा के पुत्र, भीष्म की माता का नाम गंगा है ना, इसीलिए अंबा ने भीष्म को क्या कहा है, गांगेय अर्थात गंगा के पुत्र। आगे चलकर वह कहती है कि मैं अपने मन में सौभ देश के राजा जो है ना शाल्व, उन्हें क्या कर चुकी हूं, अपना पति मान चुकी हूं। तो गंगा ने उसकी जो बात है वह स्पष्ट रूप से क्या की, भीष्म को बताई। वह कहती है कि सौभ देश का जो राजा है शाल्व, उसे मैं क्या कर चुकी हूँ, अपने मन ही मन में अपना पति मान चुकी हूँ। परंतु इसी बीच क्या हो गया कि आप मुझे स्वयंवर से बलपूर्वक यहाँ लेकर आए। जो भीष्म है उसे अंबा यह भी कहती है कि मेरे मन की यह जो बात है, जबकि मैंने आपको यह बताया है कि मैं राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ, तो यह बात जानने के बाद आप मेरे बारे में जो भी उचित समझे करें, यानी कि उसके बारे में जो भी निर्णय लेना है, जो उचित लगे वह निर्णय भीष्म ले सकते हैं, ऐसा अंबा भीष्म से कहती है। भीष्म ने अंबा की बात को उचित मानते हुए उसे ससम्मान शाल्व के पास भेज दिया। अब देखिए, जो भीष्म है उन्हें भी अंबा की बात सही लगती है, और वह क्या करते हैं, सम्मान पूर्वक अंबा को सौभ देश राजा शाल्व के पास भेज देते हैं। और काशीराज की जो अन्य दो पुत्रियां थी ना, अंबिका व अंबालिका, इन दोनों का विवाह वह क्या करते हैं, विचित्र वीर्य के साथ कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अंबा को उन्होंने क्या किया है, सौभदेश राजा, सौभदेश के जो राजा है शाल उनके पास भेज दिया है, और काशी राज की जो दो कन्याएं हैं अंबिका और अंबालिका, इन दोनों का विवाह वह क्या करते हैं, विचित्र वीर्य के साथ कर देते हैं। अंबा ने सौभदेश पहुंचकर शाल्व से कहा, अब देखिए सम्मान पूर्वक भीष्म ने अंबा को सौभदेश भेज दिया है, तो सौभदेश पहुंचकर यह जो अंबा है वह राजा शाल्व से कहती है कि राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूं, और मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। अब देखिए, अंबा जो है जब उसे भीष्म सौभदेश भेज देते हैं राजा शाल्व के पास, तो सौभदेश पहुंचने के बाद अंबा जो है वह राजा शाल्व से कहती है कि मैं मन ही मन में क्या कर चुकी हूँ, आपको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः आप क्या कीजिए कि मेरा पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। अंबा जो होती है वह सौभदेश के राजा जो है शाल्व उनसे यह भी बात कहती है कि मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे क्या किया है, आपके पास भेजा है, मेरे अनुरोध से अर्थात मेरे कहने पर। तो वहां अंबा जो है वह शाल्व को उसे अपनी पत्नी स्वीकार करने के लिए विनती करती है, परंतु शाल्व जो होता है वह अंबा को अपनाने से मना कर देता है। राजा शाल्व जो होता है वह अंबा को अपनाने से मना कर देता है, और वह कहता है कि सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझसे युद्ध किया था,
स्वयंवर में काफी सारे राजकुमार आए थे ना कई कई जगहों से, तो उन सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने क्या किया, मुझसे युद्ध किया था, और युद्ध में भीष्म ने मुझे क्या किया था, पराजित किया था, मुझे हराया था युद्ध में, और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए थे, यानी कि बलपूर्वक मुझे युद्ध में हरा कर मुझे पराजित करके भीष्म तुम्हें अपने साथ लेकर गए थे, ऐसे राजा शाल्व जो है वह अंबा से कहते हैं। तो वह आगे चलकर अंबा से यह भी कहते हैं कि इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो राजा शाल्व को यह जो बात थी कि भीष्म ने उन्हें हराया था और अंबा को वह बलपूर्वक लेकर गए थे, यह बात उन्हें अपमान जैसे लगती है, और वह अंबा से यह कहते भी हैं कि इतना मेरा बड़ा अपमान हो गया, सभी राजकुमारों के सामने वह भीष्म ने मुझे हराया और तुम्हें बलपूर्वक लेकर गए थे, तो इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तो वह राजा शाल्व जो है वह अंबा से कहता है कि तुम्हारे लिए अब यही उचित है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए, भीष्म जो है उनके पास जाना चाहिए और उनके सलाह के अनुसार वह जिस प्रकार से कहते हैं उसी अनुसार तुम्हें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अंबा ने लौटकर भीष्म को शाल्व का उत्तर बताया। अब जो भी घटना घटित हुई वह सारी वह पुनः क्या करती है, भीष्म के पास आती है और उन्हें कथन करके सुनाती है। भीष्म ने पुनः विचित्र वीर्य से अंबा के साथ विवाह करने के लिए कहा, परंतु विचित्र वीर्य भी अंबा के साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। विचित्र वीर्य भी क्यों अंबा के साथ विवाह करेगा ना, तो वह अंबा के साथ विवाह करने के लिए मना कर देता है, वह तैयार नहीं होता है। अब इस परिस्थिति में अंबा ने भीष्म से कहा, अब देखिए अंबा की परिस्थिति ऐसी हो गई कि वह जिसे अपना पति मान चुकी थी वह भी उसे अपनाने के लिए मना कर देता है, और जिसके साथ इसका विवाह होने वाला था जो विचित्र वीर्य था उसके साथ पुनः वह उसके सामने भीष्म जब विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि उसे अंबा के साथ विवाह कर लेना चाहिए, तब वह विचित्र वीर्य भी अंबा के साथ विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। तो इस परिस्थिति में अंबा जो होती है वह क्या करती है, भीष्म के पास जाती है और उनसे कहती है, किसे कहती है, भीष्म से कहती है कि गांगेय मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप ही मुझे हर कर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। अब यह जो अंबा है वह क्या करती है कि भीष्म से यह बात स्पष्ट रूप से कहती है कि अब मैं तो दोनों ओर से हार गई, क्योंकि सौभदेश का जो राजा है शाल्व वह मेरे साथ विवाह नहीं करना चाहता, वह मुझे नहीं अपनाना चाहता, पत्नी के रूप में वह मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, और विचित्र वीर्य भी जो है वह भी क्या नहीं करना चाहता, अंबा के साथ विवाह नहीं करना चाहता है, वह भी अंबा से विवाह करने के लिए ना कह देता है। तो यह जो अंबा है वह कहती है भीष्म से कि आप ही मुझे हार कर लाए थे, तो यह आपका कर्तव्य है, यानी कि अंबा भीष्म से कहती है कि यह आपका कर्तव्य है कि आपको क्या करना चाहिए, अभी मेरे साथ विवाह करना चाहिए। परंतु यह बात सुनकर जो भीष्म होते हैं वह क्या करते हैं कि उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को तोड़ने से वह मना कर देते हैं और वह विचित्र वीर्य को समझाते हैं, परंतु विचित्र वीर्य अंबा से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब अंबा को पुनः शाल्व के पास भेजा, किंतु उसने दूसरे के द्वारा जीती हुई अंबा को स्वीकार करने से मना कर दिया। शाल्व राजा कहता है कि तुमको तो भीष्म ने युद्ध करके जीता था, तो अब मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। अंबा 6 वर्ष तक इसी प्रकार घूमती रही। यह जो अंबा है उसे ना विचित्र वीर्य अपनाता है और ना ही सौभदेश का राजा शाल्व अपनाता है। तो इसी प्रकार अंबा सौभदेश से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से सौभदेश, ऐसे इसी प्रकार 6 वर्ष तक वह घूमती रही। अपने दुख का कारण वह भीष्म को मानती हुई वह प्रतिशोध की ज्वाला से जल उठी। उसकी यह जो हालत हुई थी, इस हालत के लिए जिम्मेदार वह किसे मानती है, भीष्म को मानती है, और वह प्रतिशोध की ज्वाला से जल उठने लगती है। वह भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती है। वह उसने भीष्म का वध करने की लिए राजा उनसे प्रार्थना की। यह जो अंबा है अब वह क्या करना चाहती है कि भीष्म के वजह से उसकी यह हालत हो गई, ऐसा सोचकर वह भीष्म का वध करना चाहती है, और भीष्म का वध करने के लिए वह क्या करती है, अनेक राजाओं से प्रार्थना करती है। परंतु राजा तो भीष्म के नाम से ही डर जाते थे। राजा जो है
वह भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वह भीष्म से डर जाते हैं उसके नाम से ही। इसीलिए जो भीष्म है उसका वध करने के लिए जब अंबा राजा उनसे प्रार्थना करती है तो कोई उसके इस कार्य में साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। सब भीष्म के नाम से डरते थे, इसलिए कोई भी भीष्म का वध करने के लिए या उसे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। अतः तब क्या हो जाता है कि अंबा परशुराम जी की शरण में आ जाती है और अंबा ने परशुराम से कहा कि ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। अब कोई राजा इसकी सहायता नहीं करने के लिए तैयार होता तो यह क्या करती है, परशुराम जी के पास जाती है, उनके शरण में जाती है, उनसे याचना करती है कि वह क्या करे कि भीष्म से युद्ध करे, और भीष्म से युद्ध की वह क्या करती है, परशुराम जी से भीख मांगती है। भीष्म जो है वह परशुराम के शिष्य थे। परशुराम ने भीष्म से विवाह के लिए कहा जिससे भीष्म ने अस्वीकार कर लिया। अब परशुराम जी जो है वह भीष्म को समझाते हैं कि वह अंबा से विवाह कर ले, परंतु इस बात के लिए भीष्म कतई ही तैयार नहीं होते हैं, वह इस बात को अस्वीकार कर देते हैं। अतः दोनों में कितने ही दिनों तक क्या हो जाता है, भयंकर युद्ध हो जाता है। अब देखिए इस बात को लेकर इन दोनों में क्या हो जाता है कि भयंकर युद्ध हो जाता है। क्यों युद्ध हो जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है कि यह जो अंबा है, यह अंबा क्या नहीं करना चाहती है कि भीष्म के साथ युद्ध, भीष्म को वह हराना चाहती है, उससे कोई भी राजकुमार युद्ध करे और भीष्म को हरा दे, उसका वध करे, ऐसा वह चाहती है। परंतु इस बात के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है तो वह क्या करती है, परशुराम जी की शरण में जाती है। और जब वह परशुराम की शरण के लिए शरण में जाती है तो परशुराम जी भीष्म जो है उनके शिष्य होते हैं परशुराम जी के, तो इसी कारण परशुराम जी भीष्म को विवाह के लिए कहते हैं, परंतु इस बात को भीष्म अस्वीकार करते हैं। अतः दोनों में क्या हो जाता है, इस बात को लेकर भयंकर युद्ध हो जाता है, हार जीत का निर्णय ही नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में परशुराम ने अंबा से कहा कि जो कुछ मेरे वश में था वह मैंने किया, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम क्या करो, भीष्म की ही शरण ले लो। अब निराश होकर अंबा ने तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप में उसे वरदान मिल गया कि तुम अगले जन्म में क्या करोगी, भीष्म का वध करोगी। अब देखिए भीष्म को मारने के लिए उसने सारे प्रयास किए, परंतु सारे प्रयासों में वह असफल रहती है। अंत में वह निराश हो जाती है और तपस्या करने लगती है वन में जाकर, और जब उसकी तपस्या पूर्ण होती है तो उसे फलस्वरूप में वरदान मिल जाता है कि अगले जन्म में वह क्या करेगी, भीष्म का वध करेगी। तो अंबा ने यह वरदान मिलते ही उसका जो शरीर है उस शरीर का त्याग कर दिया और दूसरा जन्म उसका जो है वह राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के स्वरूप में हो गया। अंबा का दूसरा जन्म कहाँ हुआ, राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में हो चुका था। अब कुरुक्षेत्र में शिखंडी को रथ के आगे बिठाकर जब अर्जुन ने बाण चलाए तब भीष्म ने शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि उन्हें पता था कि अंबा ही शिखंडी है। उन्हें क्या पता था, अंबा ही शिखंडी है। अब देखिए इन सारी बातों से यह जो अंबा है वह क्या हो जाती है, निराश होती है, और निराश होकर वह क्या करने लगती है कि तपस्या करने लगती है। तपस्या करने के पश्चात कठिन कड़ी तपस्या करती है, तो तपस्या के पश्चात उसे क्या मिल जाता है, वरदान मिल जाता है। और उसे क्या वरदान मिल जाता है, उसे यह वरदान मिल जाता है कि अगला उसका जो जन्म होगा उसके अगले जन्म में वह क्या करेगी, भीष्म का वध करेगी। यानी कि इसकी प्रतिशोध की जो ज्वाला है वह कितनी तप्त है, देखिए कि किसी भी हालात में यह क्या करना चाहती है, जो भीष्म है उनसे
प्रतिशोध लेना चाहती है, उनका वध करना चाहती है, क्योंकि आज उसकी जो समस्या है कि वह ना सौभ देश के राजा शाल्व से विवाह कर पाई, ना अंबा का विवाह विचित्र वीर्य से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब यह स्वयंवर हो रहा था तो स्वयंवर होते समय जो भीष्म है वह क्या करते हैं, वहां इन तीनों कन्याओं को, काशीराज की जो तीनों कन्याएं हैं अंबा, अंबिका और अंबलिका, इन तीनों का वहां बलपूर्वक रथ में बिठाकर हस्तिनापुर ले आते हैं। और वह हस्तिनापुर उन्हें क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि उन तीनों कन्याओं का वह क्या करना चाहते थे, विचित्र वीर्य के साथ विवाह करना चाहते थे। और जब इनका विवाह का आयोजन होने लगा तो यह जो अम्मा है वह क्या करती है, एकांत प्राप्त करके भीष्म से बातचीत करने के लिए जाती है। और उसके मन में जो बात है वह क्या करती है, स्पष्ट रूप से भीष्म से कह देती है कि जब स्वयंवर हो रहा था तो वह स्वयंवर से भीष्म जो है वह अम्बा को क्या करते हैं, बलपूर्वक हस्तिनापुर लेकर आते हैं। परंतु यह जो अम्बा है वह भीष्म से यह बताती है कि जो सौभ देश का जो राजा है ना शाल्व, उसको वह मन ही मन में अपना पति मान चुकी है। अब देखिए जब अम्बा यह बात भीष्म को बताती है तो भीष्म विचित्र वीर्य से अम्बा का विवाह नहीं करता है, वह सिर्फ अंबिका और अंबालिका इन दोनों का विवाह विचित्र वीर्य से करता है। और जो अम्बा होती है उसे वह क्या करता है, सम्मान पूर्वक सौभ देश राजा शाल्व के पास भेज देते हैं। जब अम्बा वहां जाती है तो वह सौभ देश के जो राजा है शाल्व उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। और वह यह भी कहती है कि मैं मन ही मन में आपको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैंने भीष्म से यह बात कही तो मेरे अनुरोध पर उन्होंने क्या किया है, मुझे सम्मान पूर्वक आपके पास भेजा है। परंतु राजा शाल्व जो होते हैं वह इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, वह अम्बा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। और इसका कारण वह अम्बा को यह बताते हैं कि स्वयंवर में उनका बहुत बड़ा अपमान हुआ है कि भीष्म के साथ उन्होंने युद्ध किया, परंतु इस युद्ध में भीष्म ने सौभ देश का जो राजा है शाल्व उसे हराया था और अनेक राजकुमार वहां उपस्थित थे। तो उन अनेक राजकुमारों के सामने भीष्म क्या कर चुके थे, उसे बलपूर्वक हस्तिनापुर लेकर गए थे। तो इतने बड़े अपमान के बाद यह जो राजा शाल्व है वह अम्बा को अपनाना नहीं चाहते थे, परंतु आगे चलकर उन्होंने अम्बा को एक सलाह यह भी दी कि वह अब क्या करे, भीष्म के पास जाए और उनकी सलाह के अनुसार अपना अगला जीवन बिताए या अपना अगला कार्य करे। जब अम्बा वापस पुनः भीष्म के पास आती है तो वह सारी घटना उनको सुनाती है। तब वह भीष्म पुनः क्या करते हैं, विचित्र वीर्य से कहते हैं या विचित्र वीर्य से अम्बा के साथ विवाह करने के विषय में चर्चा करते हैं। विचित्र वीर्य अब इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं, वह इस बात को स्वीकृत नहीं करते हैं कि पुनः उसे उन्हें अम्बा के साथ विवाह करना है। अब तो ऐसी हालत हो गई कि ना सौभ देश का राजा शाल्व अम्बा को अपनाना चाहता था और ना ही विचित्र वीर्य उसके साथ विवाह करना चाहता था। अब इसके बाद अम्बा जो होती है वह भीष्म से अनुरोध करती है, भीष्म से विनती करती है कि आप ही मुझे हर कर लाए हो तो आप ही मुझसे विवाह कीजिए। परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो वह उसके साथ विवाह नहीं करना चाहते थे। तो इसी बीच 6 वर्ष क्या होते हैं, अम्बा जो होती है वह इधर से उधर घूमती रहती है, परंतु उसे कोई स्वीकृत नहीं करता है। अब ऐसा हो जाता है कि इन सारी हालातों को अम्बा भीष्म को जिम्मेदार मानने लगती है और वह उनसे प्रतिशोध लेना चाहती है। और इसीलिए वह अनेक राजाओं से मिलती है कि वह भीष्म के साथ युद्ध करे और उसका वध करे। परंतु भीष्म इतना वीर पराक्रमी पुरुष था, योद्धा था, कि कोई राजा उसके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है। अतः यह जो अम्बा होती है वह परशुराम जी से निवेदन करती है, परंतु परशुराम जी के भीष्म यहाँ शिष्य होते हैं, इसीलिए परशुराम जी उन्हें प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कहते हैं, परंतु परशुराम की इस बात को भीष्म स्वीकृत नहीं करते हैं। तो इन दोनों में भी युद्ध होता है, परंतु ऐसा होता है कि इस युद्ध में हार जीत का फैसला हो ही नहीं पाता है। अतः परशुराम जी अम्बा को यह सलाह देते हैं या यह कहते हैं कि अब तुम क्या करो,
मुझसे जितना उचित होता था मैं जितना कर पाता था उतना मैंने प्रयास किए हैं या मैंने प्रयत्न किए हैं, अब तुम्हें क्या करना चाहिए, अंत में भीष्म के शरण में ही जाना चाहिए। परंतु निराश होकर यह जो अंबा है वह क्या करती है, तपस्या करने लगती है और तपस्या के फल स्वरूप में उसे वरदान मिल जाता है कि तुम अगले जन्म में क्या करोगी, भीष्म का वध करोगी। मतलब अंबा देखो अपनी सारी हालातों को किस हालात के लिए किसको जिम्मेदार मानती है, भीष्म को जिम्मेदार मानती है। और वह इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी वह क्या करना चाहती है, भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती है और इसीलिए वह तपस्या करने लगती है और तपस्या के फल स्वरूप में उसे क्या मिल जाता है, वरदान मिल जाता है कि तुम क्या करोगी, अगले जन्म में भीष्म का वध करोगी। तो अंबा ने यह वरदान मिलते ही क्या किया, अपना जो शरीर है उस शरीर को त्याग दिया और पुनः दूसरा जन्म प्राप्त कर लिया। अब यह जो अंबा है इसका दूसरा जन्म कहां होता है, राजा द्रुपद के यहां होता है और राजा द्रुपद के यहां अंबा का दूसरा जन्म शिखंडी के रूप में हो जाता है। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हो जाता है, जो शिखंडी है वह क्या करती है कि रथ को आगे बैठा कर जब अर्जुन ने बाण चलाया, यानी कि अर्जुन का जो सारथी था वो कौन था, शिखंडी था, तब भीष्म ने क्या किया, शिखंडी पर बाण नहीं चलाए, क्योंकि भीष्म जो है वह भली भांति इस बात को जानते थे कि जो शिखंडी उनके सामने है वह पुरुष न होकर वह अंबा ही है, अर्थात शिखंडी अंबा ही है। तो अंत में भीष्म घायल होकर क्या होते हैं, पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, क्योंकि भीष्म अंबा पर हमला नहीं करते हैं, बाण नहीं चलाते हैं, क्योंकि शिखंडी यही अंबा का रूप है, यह बात भलीभांति भीष्म जानते थे, इसीलिए अंबा भीष्म पर बाण चला देती है। अंत में भीष्म घायल हो जाते हैं और पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तब जाकर अंबा का क्रोध शांत होता है। अंबा का क्रोध कब शांत होता है, जब भीष्म का अंत होता है, यानी कि प्रतिशोध जो उसके मन में था वो इस जन्म में नहीं तो उसने अगले जन्म में शिखंडी के रूप में क्या किया, अपने प्रतिशोध को पूर्ण किया। और यह जो अंबा है उसका क्रोध तभी शांत होता है जब भीष्म घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। आज का यह जो पाठ है अंबा और भीष्म, यह यहां पर समाप्त हो जाता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।